है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सावंडिया क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा 24 अप्रैल से हर ग्राम पंचायत पर एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है और उस कैंप में 10 ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है राजस्थान सरकार, जिनका लाभ आप भी ले सकते हो। अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो, इसके पात्र हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा और आपको इस प्रकार आपको पंजीकरण वहाँ पर कराना पड़ेगा। कौन कौन सी 10 योजनाएं हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाने हैं और उनका पंजीकरण कराना है, तो उसकी बात अपन इस वीडियो में करते हैं। पहली योजना का नाम है गैस सिलेंडर योजना, यानी मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि बीपीएल परिवार के लोगों को, जनता को जो गैस सिलेंडर दिया जाएगा वो 500 रुपये में दिया जाएगा, 500 रुपये। उसके लिए आपको जो कैंप लगे उसमें अपने गैस कनेक्शन की डायरी, अपने बीपीएल राशन कार्ड और अपने जन आधार कार्ड को ले जाना है वहाँ पर, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें आप ले जाकर आप पंजीकरण करवा कर 500 रुपये में गैस सिलेंडर पा सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू बिजली 100 यूनिट तक फ्री, यानी 100 यूनिट तक आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके ग्राम पंचायत में जो कैंप लगेगा उसमें अपने बिजली का बिल ले जाना है और अपना जन आधार कार्ड ले जाना है, दोनों ले जाकर आप इस योजना से लाभान्वित हो सकोगे। तीसरी योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड ले जाना है और एक जन आधार कार्ड ले जाना है और इसको ले जाकर इसका पंजीकरण आपको कराना होगा, जिससे इस योजना का लाभ आपको मिलता रहेगा। चौथी योजना, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 25 अतिरिक्त आपको दिवस दिए जाएंगे रोजगार के लिए, 25 दिन अतिरिक्त दिए जाएंगे। जैसे आपको 100 दिन का रोजगार है तो आपको पंजीकरण कराओगे तो 25 दिन और मिलेंगे तो आपको 125 दिन का रोजगार आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या ले जाना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा एक तो जन आधार कार्ड, एक जॉब कार्ड और एक विशेष योग्यजन के लिए आपका प्रमाण पत्र आपको ले जाना जरूरी है। नेक्स्ट, पांचवी योजना है आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार। यह शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए एक योजना चलाई गई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। उसके लिए जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड और विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र ले जाना आपको अनिवार्य है। नेक्स्ट, छठी योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें जो 750 रुपये आपको पेंशन राशि मिल रही है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 रुपये। उसके लिए आपको एक तो जन आधार कार्ड ले जाना है और एक पेंशन PPO नंबर आपको ले जाना है। तो ये तो आपको अनिवार्य रूप से लगभग आपके परिवार में सभी के 750 रुपये जो पेंशन आ रही है उसको 1000 रुपये कर दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। उसके लिए जन आधार कार्ड और पेंशन PPO नंबर आपको अनिवार्य रूप से ले जाना है और इस योजना का लाभ आप जरूर लेना। नेक्स्ट, कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत 40,000 रुपये का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है और उसके लिए आपको जन आधार कार्ड ले जाना है और पशुओं की संख्या आपको बतानी। आठवीं योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 25 लाख तक की बीमा राशि, जो पहले चिरंजीवी योजना में जो इलाज होता था उसके लिए 10 लाख तक की राशि दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया है और उसके लिए आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और मुखिया एवं आपके परिवार के सदस्य के मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना आपको अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड और महिला मुखिया के बैंक की पासबुक की जो फोटो है वो आपको ले जानी है। नेक्स्ट, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख तक का बीमा भी आपको दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। किसानों को 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी, उसके लिए किसानों को एक तो बिजली का बिल ले जाना है और एक जन आधार कार्ड ले जाना है। तो इन सभी दस्तावेज को आप अपने ग्राम पंचायत में जो शिविर लगेगा उसमें ले जाकर इन योजनाओं का लाभ आप आसानी से पा सकोगे। तो जो भी इन योजनाओं के लिए पात्र हैं वो ये काम जरूर करना ताकि इन योजनाओं का लाभ उनको निरंतर मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।